द आउल एंड द नाइटिंगेल पोएम। द आउल एंड द नाइटिंगेल पोएम के ऑथर अननोन हैं और यह है मिडिवल इंग्लिश पोएम है जो कि 13th सेंचुरी में लिखी गई है और इसमें 2000 लाइंस हैं और जो यह लाइंस हैं यह वर्स में लिखी गई हैं, मींस वर्स में है ये और यह एक सेटायर है, वर्स में लिखी गई है इसलिए यह एक वर्स सेटायर है, एलिगोरिकल वर्स है ये और इसमें कपलेट्स हैं और कपलेट्स कैसे हैं, ऑक्टोसिलेबिक ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स हैं और यह एक डिबेट पोइट्री है, डिबेट पोइट्री है और जो इसमें डिबेट है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता और यह डिबेट होती है यह दो बर्ड्स के बीच में होती है और इसीलिए यह एक बीस्ट फेबल है। बीस्ट फेबल वही होता है जो बर्ड्स एनिमल्स इनके बारे में हो वर्क है और जो यह बीस्ट फेबल वर्क है इसमें दो बर्ड्स हैं द आउल एंड द नाइटिंगेल, इनके बीच में डिस्प्यूट होती है, विवाद होता है और यहीं से कहानी शुरू होती है। जब पोएम शुरू होती है जो नाइटिंगेल्स होती है वो डिबेट करती है और इस पोएम में जो डिबेट चलती है वह ब्यूटी और जो मेरिट्स ऑफ सॉन्ग्स हैं उनके बारे में है, वह एक दूसरे को चिढ़ाते हैं और कहते हैं, खुद को सुपीरियर बताते हैं कि मेरी वॉइस मेरी आवाज़ ज़्यादा प्यारी है तो या मेरी ब्यूटी ज़्यादा है। नाइटिंगेल कहती है कि तुम आउल तुम तो रात नाइटिंगेल आउल को कहती है कि तुम तो रात के पक्षी हो और रात यानी ब्लैक मीन्स ईविल, तुम तो बुराई का प्रतीक हो और ऐसे ही उनके तर्क वितर्क चलते रहते हैं और जो यह है उनकी जो यह डिस्प्यूट होती है लड़ाई होती है वो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता।